नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एमडीएन इन्फॉर्मेशन में। अगर भाइयों आप सभी को आवास योजना से संबंधित हर एक अपडेट व नई नई जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल एमडीएन इन्फॉर्मेशन को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए भाइयों बात करते हैं पीएम आवास योजना के अंतर्गत एक और वीडियो को लेकर। तो भाइयों आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की जो सूची होती है वो कैसे निकाली जाती है। अगर आप लोगों ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है और अभी तक आपको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है तो मेरे भाइयों इस वीडियो को पूरा देखिएगा भाइयों। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची कैसे निकालते हैं पूरी डिटेल्स के साथ। जी हाँ भाइयों, पूरी डिटेल्स, आपका बैंक अकाउंट, आपका आधार नंबर, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए भाई वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले आप जान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 लाख से लेकर 2.5 लाख 3 लाख रुपये तक मिलते हैं। अन्य अन्य राज्यों में सरकार ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री ने अलग अलग राशियां निर्धारित की हैं अपने राज्यों में। जैसे कि उत्तर प्रदेश में शहरी आवास योजना के 2.5 लाख रुपए है, हर राज्य में दोस्तों कुछ जगह पर 3.5 लाख रुपए है और गुजरात में भी 3.5 लाख रुपए राशि रखी है। ऐसे कुछ अन्य राज्य हैं दोस्तों जहाँ पर 3 लाख रुपए है और कुछ जगह पर तो 2 लाख रुपए राशि की गई है। ये रही शहरी आवास योजना के लिए, लेकिन यहीं पर साथ ही साथ ग्रामीण आवास योजना के लिए कुछ राशियाँ निर्धारित की गई हैं। कहीं कहीं पे 1,20,000 रुपये है और कहीं पहाड़ी क्षेत्रों पे 1,30,000 रुपये है। तो चलिए भाई मैं बात करता हूँ, अगर आप लोगों ने आवेदन किया है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए तो आपको लाभ मिलेगा कि नहीं, ये कैसे पता करेंगे, इस वीडियो को मैं आपको शुरू करके दिखा रहा हूँ। वीडियो में बने रहेगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा भाइयों कि अगर आप लोगों को जानकारी 1% अच्छी लगती है और आपको आवास योजना का लाभ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भाई वीडियो। तो सबसे पहले सभी भाइयों अपने मोबाइल में गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, जैसा कि हमारे मोबाइल में आपको दिखाई दे रहा है गूगल, ऐसा ओपन कर लीजिएगा और सर्च क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। देखिए ध्यान से PMAY.U, ध्यान से देखिए दोस्तों, यही सर्च करना है आपको जहाँ पर मैं कर्सर बना रहा हूँ, इस कर्सर को आपको सर्च करना है। देखिए PMAY.U, इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ध्यान से करिएगा भाइयों, देखिए मैं सर्च करता हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार का जब सर्च करेंगे पहले वेबसाइट आएगी, देखिए PMAY, देखिए जहाँ बना है इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। ध्यान से करिए, क्लिक करने के बाद दोस्तों आप ध्यान से देखें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, देखिए एक नीला कलर का है 3 डॉट और एक सफ़ेद कलर का 3 डॉट, इसी में सारी राज्य है दोस्तों। और ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाइयों, अगर आप लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ चाहिए तो ये ट्रिक जरूर से जरूर देखिएगा भाइयों। चलिए दिखाता हूँ आपको, देखिए पहले क्या करना है आपको, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए सफ़ेद वाले पे आपका क्लिक नहीं होगा। जी हाँ भाइयों, इस पर क्लिक करिए और आपका क्लिक नहीं हो रहा होगा। देखिए पहली बार अगर आप क्लिक करेंगे तो इस पर सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे, इस ब्लू कलर वाले पे। जी हाँ भाइयों, सबसे पहले ब्लू कलर पे क्लिक करेंगे, करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर कुछ इंटरफेस होकर आएगा, देखिए 3-4 इंटरफेस दिखाई दे रहा है। इसमें आपको क्या करना है, इस पर ऐप गैलरी जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, जहाँ से देखिए ऐप गैलरी, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों फिर से आप लोग इसी पेज पर आ जाएंगे। ध्यान से देखिए रिडायरेक्ट कर देगा आपको पेज पर, यानी आप पहले जैसे पेज पे आ जाएंगे, लेकिन आपको इसमें कुछ चेंज हो जाएगा। इस पर देखिए क्लिक करेंगे, देखिए कुछ ऑप्शन खुल जा रहा है। देखिए ये तो कंप्यूटर में अगर आप लोग ओपन करेंगे तो आपको ये सारी प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ेगी, डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर मोबाइल में करते हैं तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। देखिए PMAY प्रोग्रेस और भी नीचे ऑप्शन है, अभी आपको दिखा रहा हूँ, देखिए नीचे दिखाई दे रहा है इस हरे कलर वाले पे, देखिए जो प्रोग्रेस वाला ऑप्शन है, सॉरी इस पर प्रोग्रेस वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे टैप करिएगा आप लोग, देखिए ध्यान से, देखिए कुछ ऑप्शन खुलकर आए हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पर 1, 2, 3, 4 सबसे नीचे आएंगे, सबसे नीचे देखिए, सबसे नीचे आने के बाद क्या आपको दिख रहा है, जियो टैग इमेज, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग जियो टैग इमेज पर क्लिक करेंगे, देखिए दो ऑप्शन खुल कर आएगा, एक VLC हाउस का है, एक HSP ICR प्रोजेक्ट का, ISSR प्रोजेक्ट। तो आपको क्या करना है, AHP वाले पे क्लिक करना है, सॉरी BLC वाले पर क्लिक करना है आपको, देन इस पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए क्लिक करने के बाद आप लोग कुछ इस प्रकार का इंटरफेस पे आएंगे। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो जहाँ पर आपको शहरी आवास योजना की सूची निकाल सकते हैं, आप लोग अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपका नाम है कि नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के सूची में। चलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर आप, और सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो लिखा है टाइम पीरियड, अगर आप लोगों को पुरानी से पुरानी लिस्ट निकालनी है 6 महीने 5 महीने या फिर और भी पुरानी, तो इस पर आप लोग टाइम सेट कर सकते हैं। देखिए इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पर कुछ डेट और टाइम टेबल आ जाएगा, देखिए यहाँ पर सामने सामने दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, और इसी में आप लोगों को चेक कर सकते हैं, आप लोग जिस प्रकार चूज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे आपका टाइम आपका स्क्रॉल होता जाएगा, देखिए यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे 2021 हो गया। इसी प्रकार से आप लोग एक एक महीने चेंज कर सकते हैं, आप लोग ध्यान से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस पर मैं कर रहा हूँ, देखिए मैं नॉर्मल दिखा रहा हूँ आपको,
अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको ऐसा ही रहने दीजिएगा, पहले जो फोटो गैलरी ऑफ VLC हाउस है इसको रहने दीजिएगा। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना प्रदेश सेलेक्ट करना है, सॉरी यहाँ पर आप लोगों को अपना प्रदेश सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपका जिला सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपना शहर सेलेक्ट करिएगा, यानी अपना शहर सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद प्रोजेक्ट क्या है आपका वो सेलेक्ट करिएगा। आज मैं आपको बिहार राज्य का करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ फेज क्या होता है, इसके लिए आप लोग ध्यान से करिएगा। देखिए आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, देखिए सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले बिहार राज्य पर सेलेक्ट करते हैं, यानी बिहार राज्य, उसके बाद अपना जिला सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए बहुत सारे लोग भाई कमेंट करते हैं, मैं आपको एक जिले का चेक कर रहा हूँ, सिवान जिले का, एक भाई है जो डेली कमेंट करता है, उसके लिए मैं आपको सिवान जिला का चेक करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। शहर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए मैं सिवान नगर पंचायत ही कर देता हूँ, नगर परिषद है सिवान में, ध्यान से करिएगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बताया था कि बिहार में क्या है, फेज की प्रक्रिया चला जा रही है, देखिए फेज वन और फेज टू, हर एक राज्य के हर एक शहर में 1, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार से जहाँ पर ज़्यादा आवास दिया गया 3, 4 या फिर 5 फेज चलाए जा रहे हैं, जहाँ पर अभी कम आवास है वहाँ पर देखेंगे पहला और दूसरा फेज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चलिए मैं दूसरा फेज करके सिलेक्ट दिखा रहा हूँ। देखिए जब दूसरा फेज सिलेक्ट हो गया तब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको बेनिफिशरी लिखा है, सिलेक्ट बेनिफिशरी, इस पर आप लोग क्लिक करिएगा। देखिए यहाँ पर बेनिफिशरी की जो सूची होती है, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए बहुत सारे लोगों का नाम है। एक चीज़ और मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ आप लोगों का, यहाँ पर देखेंगे अनिल कुमार, अनिल कुमार, अनिल कुमार, ध्यान से देखते जाएंगे, अनिल प्रसाद, अनिल राम, देखिए अनिल राम मान लीजिए एक नाम है, देखिए अनिल प्रसाद भी एक नाम है, सॉरी एक मिनट, देखिए अनिल राम तीन नाम है। अब आपको करना क्या है चीज़ जान लीजिए, इसमें बहुत सारे भाइयों का भी कमेंट रहेगा नीचे वीडियो के कि सर जी यहाँ पर तो तीन मेरे नाम के हैं, जैसे अनिल कुमार आप देख लीजिए, अनिल कुमार, अनिल कुमार और अनिल कुमार, ये तो मांझी है, अगर मान लीजिए दो ही मान लीजिए अनिल कुमार हैं, ये कैसे पता करिए कि आप ही का ये नाम है। इसके दो तरीके हैं भाइयों, एक ऑनलाइन है और एक ऑफलाइन है। ऑनलाइन जो तरीका है मैं आपको आगे वीडियो में बताता रहूँगा, आप लोग नीचे कमेंट करेंगे तो आगे मैं बता दूंगा, और आप लोग ऑफलाइन क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है आप, चलिए मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। तो आधार से नंबर से चेक करने की सूची होती है वो चेक करिएगा, आगे मैं उसका भी लिंक डालूंगा, दूसरा लिंक वही रहेगा, डायरेक्ट क्लिक करेंगे अपना आधार से चेक कर सकते हैं वो लोग, और दूसरा मैं आपको बता दूंगा आखिरी वीडियो में। और दूसरा तरीका है अपने नज़दीक जो नगर परिषद के मेंबर होते हैं उनके पास जाएंगे और वहाँ पर जो उनके पास से PDF की सूची होती है उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे अनिल कुमार आधार नंबर पैन नंबर वो पूरी तरीके से डिटेल्स में आपको दिया रहता है, जो उनके पास सूची होती है, उनके पास PDF भी होता है और उनके पास हार्ड कॉपी भी होती है। तो आप लोग मान लीजिए किसी का भी नाम सेलेक्ट कर दीजिएगा, यहाँ पर देखेंगे इस पर क्लिक कर दीजिएगा अंडर कंस्ट्रक्शन, ध्यान से करेंगे दोस्तों आप लोगों को इसी प्रकार चेक कर सकते हैं आप लोग अपना नाम। अब एक चीज़ और है मेरे भाइयों, जियो टैग, बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं कि जियो टैग कैसे चेक करें, तो उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए जियो टैग कैसे चेक करना है। और कोशिश ये रहेगी भाइयों मैं आप सभी को डेली आवास योजना से संबंधित, किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित, और आपको जो भी ऑनलाइन फॉर्म आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से मैं आपको डेली भरना सिखा पाऊँ। तो चलिए भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद मेरे भाइयों।